नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब इसका एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। यहाँ पर फिर से सिचुएशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो पुली है मूवेबल है, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 में देखा था, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन यूज करने आना चाहिए आपको। यहाँ पे फिर से सेम कंसेप्ट है कि अगर मैं मानूं कि ये पुली ऊपर की तरफ जाएगी एक्स, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पुली ऊपर की तरफ एक्स यूनिट जाती है, ठीक है, तो फिर से धागा कितना रिलीज होगा, तो आंसर इज 2x। तो अगर ये ऊपर की तरफ x जाती है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितनी आएगी, 2x। अगेन सेम कंसेप्ट, ठीक है। और चूंकि ये वाला जो ब्लॉक है डायरेक्टली इसके साथ अटैच है, तो आप सोचो कि अगर ये वाला धागा नहीं होता तो सिर्फ ये दोनों होता तो क्या होता, ये जितना ऊपर जाएगा ये भी उतना ही ऊपर जाएगा। दैट मीन्स 2m वाला जो मास है ये भी x यूनिट ही ऊपर जाएगी। तो फिर से सेम सिचुएशन, तो मैं फिर से मानूंगा कि अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी आएगी, 2a। और फिर से इसी 2a की वैल्यू बतानी है, a की नहीं, किसकी बतानी है, 2a की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कैपिटल m की एक्सेलरेशन बतानी है। बस कंस्टेंट हो गया, अब आपको सिंपल रिजॉल्व करना है, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना है, फोर्सेस को दिखाना है, और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं कैपिटल एम वाले का फ्री बॉडी बना रहा हूँ। तो एक तो लग रहा होगा इधर की तरफ टेंशन, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन मान रहा हूँ टी, और एक तो एम जी का कंपोनेंट इधर की तरफ लगेगा, है ना, एक इधर भी लगेगा, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल जो है वो बैलेंस कर देगा एम जी के कंपोनेंट को। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा, है ना, प्लेन केलॉन। तो कैपिटल एम इंटू जी साइन थीटा साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी एम जी बाई टू, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन टू द प्लेन जो है इस डायरेक्शन में, और कोई भी है ना, इस डायरेक्शन में ओनली दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, ये तो आपका नॉर्मल बैलेंस कर ही लेगा। तो अब यहाँ पे आप NLM अप्लाई कर सकते हो। अब चूंकि मैंने एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ माना है, तो आपको फोर्स जो नीचे वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एम जी बाई टू, ठीक है, अलॉन्ग द प्लेन लगा रहा हूँ, माइनस टी इक्वल टू मास तो कैपिटल एम है और इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2a, ठीक है। तो यहाँ से ये इससे मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुली का भी बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रिंग है मैंने टेंशन टी माना था, तो टी, तो नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी टी डैश, दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2t। तो पुली से आ गई नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2t। अब ये वाला जो ब्लॉक है इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। इसका मास कितना है, 2m। एक तो नीचे की ओर लग रहा होगा कितना, 2mg, और एक ऊपर की तरफ टेंशन, कितना टेंशन लग रहा होगा, टी डैश, टी डैश की वैल्यू कितनी, 2t। और ये एक्सेलरेट कर रहा है किधर, तो आंसर इज ऐसे मैंने माना है क्वेश्चन में ऊपर की तरफ a। चलिए तो इसके लिए NLM अप्लाई करता हूँ। ऊपर की तरफ माना है तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव लूंगा, तो ऊपर लग रहा है 2t माइनस नीचे लग रहा है कितना, 2mg इक्वल टू मास हो गई इसकी 2m इंटू एक्सेलेशन कितनी हो गई, a, है ना, मास 2m एक्सेलेशन a। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करो, ऐड करोगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इससे a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 कर रहा हूँ,
वन प्लस टू करोगे तो लेफ्ट साइड बचेगा एम जी बाई टू माइनस एम जी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये बचेगी माइनस एम जी बाई टू लेफ्ट साइड में, और ऐड कर रहा तो राइट साइड में बचेगा टू एम ए प्लस एम ए, तो थ्री एम ए बचेगी, एम से एम कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाई ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस जी अपॉन ये थ्री नीचे चला जाएगा तो सिक्स। बट अगेन आपको जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, तो टू ए की, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल एम वाले का एक्सेलेरेशन बताना था। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ कि मैंने एक्सेलेरेशन किधर माना था ऊपर की तरफ, तो बट रियलिटी में किधर होगा एक्सेलेरेशन, नीचे की तरफ। तो अगर कैपिटल टू एम का एक्सेलेरेशन पूछता तो किधर आता, नीचे की तरफ, कितना, जी बाई सिक्स। और कैपिटल एम की अगर बात करें तो कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल एम जो है वो टू ए है, एंड दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू जी बाई सिक्स, तो दैट इज इक्वल टू जी बाई थ्री। और डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट, ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आ गया था, है ना, तो इसका मतलब अगर ये सिस्टम नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, तो अप द प्लेन, है ना, तो प्लेन के ऊपर जाएगा। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी जी बाई थ्री अप द प्लेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे 33 में।